इन दिनों संपूर्ण छतरपुर जिले में स्थित देवी मां के मंदिरों में चैत्र नवरात्रि की धूम है। शहर के सभी मंदिरों में सुबह 4 बजे से भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सुबह से शुरू होने वाला पूजा आराधना का दौर दोपहर तक चलता है। वहीं संध्या काल में माताएं बहनें मंदिरों में भजन कीर्तन करने पहुंच रही हैं। शनिवार को चैत्र नवरात्र के 5वें दिन छतरपुर शहर के बाईपास मार्ग पर स्थित बगराजन मंदिर में देवी माँ के भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने मां को जल अर्पित कर माथा टेका। सुबह से लेकर दोपहर तक मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। उल्लेखनीय है कि बगराजन माता मंदिर में शहरवासियों की विशेष आस्था होने के चलते यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मंदिरों में विविध धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ स्थित देवी माँ की प्रतिमा एक शिला से प्रकट हुई थी, तभी से मंदिर में लोगों की विशेष आस्था है। शहर के अलावा आसपास के ग्रामीण अंचलों के लोग भी वहां पहुंचते हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। जब यहाँ छतरपुर बसा था उस समय से माता यहाँ पर प्रकट हुई थी, पत्थर में, शिला में। उस समय से बहुत धार्मिक स्थान है, सभी की यहाँ पर आस्था है और हम लोग सेवक हैं माता के, और जो भी सेवा बनती है वो करते हैं यहाँ पर। और सभी भक्तों का छतरपुर और आसपास के जिले के लोग माँ बगराजन के दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। सिद्ध पीठ है, जो यहाँ पर मांगता है उसकी निश्चित रूप से माता मुरादें पूरी करती हैं। ये सब आस्था से आते हैं और अपनी अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। मंदिर का इतिहास तो काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पे एक छोटी सी मड़िया हुआ करती थी लगभग 50-60 साल पहले। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ का विकास हुआ। यह जंगली एरिया था, फिर भी शहर के लोगों की आस्था इस मंदिर पे है, मंदिर में है। और यहाँ अपने नगर के ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी यहाँ श्रद्धावश माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं, और वो जो भी अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं सभी माता उनकी पूरी करती हैं। बहुत आस्था है यहाँ पे। विशेष नवदुर्गा में जो भी अपनी मनोकामना होती है माता रानी से मांगते हैं, सब लोग वो पूरी होती है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि माता रानी का दर्शन और आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त करें। जय माता दी।